आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रोहिताश्व अनुशासन प्रकरण अब प्रदेश भाजपा की अनुशासन समिति के हवाले। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने नोटिस व जवाब अनुशासन समिति को सौंपा। भाजपा नेता रोहिताश्व शर्मा का जवाब, कहा मैंने कोई गलती नहीं की। पार्टी सूत्रों के अनुसार रोहिताश्व शर्मा ने कहा, आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के अनुसार रोहिताश्व शर्मा ने यह कहा है कि सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की, जो कुछ कहा वो पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में कहा, इसे मैंने सार्वजनिक नहीं किया। पार्टी मंच पर रखी मन की भावना महामारी के दौरान कोई बड़े नेता ने नहीं संभाला। पार्टी के अंदर अपनी भावना बताना अनुशासनहीनता कैसे, गाली गलौज की भाषा मेरी नहीं है, हम भगवान के पुजारी हैं। वायरल वीडियो पर पार्टी ने 24 जून को दिया था पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा को नोटिस। रोहिताश्व ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को दिया जवाब, संगठन मंत्री व मंत्री को दी जवाब की प्रति। पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत है अनुशासन समिति के अध्यक्ष। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और बड़ा अपडेट यहां पर इस खबर पर सामने आ रहा है। तो ये बड़ा जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें कि रोहिताश्व अनुशासन प्रकरण अब प्रदेश भाजपा की अनुशासन समिति के हवाले है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने नोटिस व जवाब अनुशासन समिति को सौंपा है। भाजपा नेता रोहिताश्व शर्मा का जवाब, उन्होंने कहा है मैंने कोई गलती नहीं की। पार्टी सूत्रों के अनुसार रोहिताश्व शर्मा ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की, जो कुछ कहा वो पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में कहा, इसे मैंने सार्वजनिक नहीं किया। यानी कि जो भी उन्होंने कहा पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में कहा, तो वही ये जो बातें उन्होंने कही उसे पब्लिक भी नहीं किया, तो वही पार्टी मंच पर रखी मन की भावना महामारी के दौरान कोई बड़े नेता ने नहीं संभाला। तो ये बड़ी बात उन्होंने वहां पे रखी कि पार्टी मंच पर मैंने अपने मन की भावना रखी, मन में जो बात थी वो रखी कि महामारी के दौरान कोई बड़े नेता ने नहीं संभाला है। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा, जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ बातें कही थी और उन्होंने कहा था कि इतना कोरोना के समय में कोई भी प्रदेश का नेता हमें संभालने के लिए नहीं आया और जो विपक्ष की भूमिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अच्छे से नहीं निभा पा रही है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनको नोटिस देके 15 दिन में जवाब मांगा था और इसी का जवाब उन्होंने 2 दिन पहले दिया है। और जो जानकारी सामने आ रही है, उन्होंने अपने आरोपों को, रोहिताश्व शर्मा ने आरोपों को सिरे से इनकार किया है और उन्होंने साफ कहा है कि मैंने जो कुछ कहा वो पार्टी फोरम पर किया कहा है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसका मुझे जानकारी नहीं है। और ये जो सार्वजनिक रूप से मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, पार्टी हमारी माँ है, और इस तरह से उन्होंने आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने कहा कि पार्टी के फोरम पर कोई भी बात कहना, अपने मन की भावना कहना, तो कोई अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है। उल्टा उन्होंने एक प्रतिप्रश्न उठाया है और मैं आपको बता दूं कि जो नोटिस दिया गया था उसमें बिंदुवार जवाब मांगे गए थे। रोहिताश्व शर्मा ने बिंदुवार जवाब देते हुए कहा है कि हमारी भाषा जो है वो कोई गाली गलौज की भाषा नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान के पुजारी हैं और हर तरह की हमारी कोई भाषा नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है। और पार्टी ने में उन्होंने अपने स्पष्टीकरण दिया है कि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और जो भी निर्णय है वो पार्टी के हाथ में है। बिल्कुल आशुतोष जी, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अनुशासन समिति के हवाले प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने नोटिस और जवाब अनुशासन समिति को सौंपा है और जिस तरीके का जवाब उन्होंने दिया, अब इस पे क्या एक्शन हो सकता है। देखिए, इसमें जो नोटिस की भाषा देखें उसमें ये कहा गया था कि आपको कोई बात कहनी है तो आप प्रदेश रोहिताश्व शर्मा को जो नोटिस दिया गया था 24 जून को, उसमें ये कहा गया था कि आपको कोई भी अपना स्पष्टीकरण देना है तो वो आप प्रदेश अध्यक्ष को दे सकते हैं और यदि आपने यदि कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आप कुछ भी कोई बात नहीं कहना चाहते और उसके बाद में ये मामला अनुशासन समिति के हवाले कर दिया जाएगा। अब चूंकि रोहिताश्व शर्मा ने अध्यक्ष को ही जवाब भेजा है और उसकी कॉपी महामंत्री और संगठन महामंत्री को दी है, तो इससे ये माना जा सकता है कि जो जवाब रोहिताश्व ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है उनसे शायद प्रदेश अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है, इसीलिए ये मामला जो ओंकार सिंह लखावत की अनुशासन समिति है उसके हवाले किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले सतीश पूनिया का एक बयान आया था
और उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि नोटिस दिया है, तो उनसे पूछा गया था कि क्या और लोगों को भी नोटिस देंगे, तो उन्होंने इशारों में कहा था कि एक ही नोटिस काफी है, शायद किसी को और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि इस समय पर अब ये मामला अनुशासन समिति के हवाले है और शायद बयानों पर लगाम लगेगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के और बयान आए तो उसमें कोई कार्रवाई की जा सकती है, पर फिलहाल ये अनुशासन समिति के पाले में गेंद है और लखावत इसके बारे में फैसला करें।